चलिए भाई, सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड पॉइंट नंबर वन, सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म बट सिंगुलर इन मीनिंग। कुछ नाउन होते हैं भाई दिखने में प्लूरल होते हैं सिंगुलर, कुछ नाउन होते हैं दिखने में सिंगुलर होते हैं लेकिन होते हैं प्लूरल, जैसे वो आगे करेंगे रूल, जैसे चिल्ड्रन मैन वगैरह। तो यहाँ क्या है, सर्टेन नाउन्स आर प्लूरल इन फॉर्म, प्लूरल इन फॉर्म का मतलब है दिखने में तो प्लूरल है, न्यूज है जैसे, मैथमेटिक्स है, वेस्ट इंडीज है ना, दिखने में तो सिंगुलर प्लूरल है लेकिन एक्चुअली मीनिंग उनका क्या है, सिंगुलर है। तो नेम ऑफ वो कौन कौन से हैं, वो नाउन जो है जो दिखने में प्लूरल है लेकिन मीनिंग उनका सिंगुलर है, इसका मतलब वो वर्ब भी सिंगुलर लाएंगे ना, ऐसा तो लग रहा है उनको लेकिन है वो सिंगुलर। अब वो है कौन कौन से देख तो ले, तो नेम ऑफ डिजीजेज बीमारियों का नाम, तो वो बीमारियों के नाम याद करने हैं जो दिखने में प्लूरल लेकिन होती सिंगुलर है, जैसे मम्स है, रिकेट्स है, सिंगल्स है, एटसेट्रा। देखो ऐसा लग रहा है रिकेट्स इज अ वेरी डेंजरस डिजीज है ना, तो इसका मतलब है ये एक बीमारी का नाम है, ये सिंगुलर है दिखने में प्लूरल है। तो फर्स्ट रूल लर्न हो गया ना, नेम ऑफ डिजीजेज। सेकेंड है नेम ऑफ गेम्स, खेलों का नाम, गेम्स का नाम, जैसे बिलियर्ड्स, डार्ट्स एटसेट्रा, बिलियर्ड्स, डार्ट्स एटसेट्रा। तो बिलियर्ड्स इज माई फेवरेट गेम, तो बिलियर्ड्स जो है मेरा फेवरेट गेम है। थर्ड पॉइंट है बेटा नेम ऑफ कंट्रीज, जो एस जिसमें लग रहा है उसकी बात चल रही है, जिसको एस नहीं लग रहा हो तो सिंगुलर है ही। तो नेम ऑफ कंट्रीज जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स, देखो एस, द वेस्ट इंडीज, तो जो दिखने में प्लूरल है लेकिन है सिंगुलर, नेम ऑफ कंट्रीज। फिर है बेटा नेम ऑफ बुक्स, जैसे द अरेबियन नाइट्स, ऐसा लग रहा है ना आप सोचेंगे प्लूरल है, प्लूरल है नहीं ये सिंगुलर है, ठीक है। जैसे द अरेबियन नाइट्स इज माई फेवरेट बुक, इज, तो अरेबियन नाइट्स दिख रहा है प्लूरल लेकिन है सिंगुलर। और लास्ट में बेटा सब्जेक्ट्स, वो सब्जेक्ट्स जिसके बाद ऐसा लग रहा है, देखो सिविक्स, फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, स्टेटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स, ऐसा लग रहा है ना लेकिन ये है क्या, ये सिंगुलर है। फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स डैश माई फेवरेट सब्जेक्ट, ब्रैकेट में है बी, तो बताओ क्या लगेगा, मैथमेटिक्स दिखने में प्लूरल है लेकिन एक्चुअली ये क्या है, सिंगुलर है, तो मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, तो मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। तो मैथमेटिक्स को तो ऐसा लग रहा है लेकिन क्योंकि ये एक सब्जेक्ट है तो ये सिंगुलर वर्ब। फिर है बेटा पॉलिटिक्स, फिर पॉलिटिक्स सब्जेक्ट है, तो पॉलिटिक्स इज मींस डैश नॉट माय कप ऑफ टी, तो बी में फिर इज हो जाएगा ना, पॉलिटिक्स इज नॉट माय कप ऑफ टी, मेरे बस की बात नहीं है राजनीति, तो पॉलिटिक्स मींस यहां सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट ना होता लेकिन आगे देखो ये तो रूल हो गया, दिखने में प्लूरल होते हैं सिंगुलर। लेकिन दूसरा रूल है बेटा इफ स्टेटिस्टिक्स मीन्स डेटा, स्टेटिस्टिक का मतलब यदि सब्जेक्ट ना होके डेटा है, मैथमेटिक्स का मतलब मैथ सब्जेक्ट ना होके कैलकुलेशन हो जाए, और पॉलिटिक्स का मतलब सब्जेक्ट ना होके पॉलिटिकल थॉट्स हो जाए, तो फिर बेटा ये प्लूरल काउंट होंगे, समझ गए। यानी ये यदि सब्जेक्ट न आके कुछ और आए, ये स्टेटिस्टिक तो डेटा, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन, और पॉलिटिक्स मीन्स पॉलिटिकल थॉट, तो बेटा क्या आएगा, फिर प्लूरल आ जाएगी। जैसे स्टैटिस्टिक्स डैश रिवील्ड मैनी स्कैम्स, स्टैटिस्टिक जो आंकड़े हैं उन्होंने बहुत सारी गलत चीजें, स्कैम्स जो है उजागर कर दिए, तो हैज आएगा या हैव, अब प्लूरल हो गया ना, तो अब आ जाएगा हैव, ठीक है। अब यहां ये जो है बेटा सब्जेक्ट यूज नहीं हुआ, ये एक पॉलिटिकल थॉट्स हुआ, स्टैटिस्टिक्स मीन सॉरी आंकड़े है ना, कैलकुलेशन। अच्छा फिर सेकेंड यूजेज है वर्ब विल एग्री विद हेड सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है, वर्ब में दो भी सब्जेक्ट हो सकते हैं, दो से ज्यादा सब्जेक्ट भी हो सकते हैं, लेकिन आपको वर्ब एग्री करनी है हेड सब्जेक्ट से। जैसे द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स, आप समझेंगे एप्पल्स ऐसा लग रहा प्लूरल आएगा लेकिन सब्जेक्ट क्या है, क्वालिटी, ठीक है ना, बात किसकी चल रही है, उन एप्पल्स का मूल्य कैसा है, कैसे है वो, तो द क्वालिटी ऑफ एप्पल्स इज गुड, तो वर्ब किससे एग्री होगी, हेड सब्जेक्ट से, ये ध्यान रखना है, वर्ब विल एग्री विद हेड सब्जेक्ट, ठीक है। थर्ड कलेक्टिव नाउन सिंगुलर वर्ब, ये ध्यान रखना है, कलेक्टिव नाउन जब भी आएगा तो सिंगुलर वर्ब आएगी, लेकिन कलेक्टिव नाउन में व्यूज अलग अलग हैं तो फिर प्लूरल आ जाएगी, ठीक है। कलेक्टिव नाउन का मतलब कलेक्शन ऑफ समथिंग, जैसे क्लास,
ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, ग्रुप ऑफ गर्ल्स होता है बेबी, बीवी वाई, है ना। तो यो कलेक्टिव नाउन जब भी आएगा तो वर्ब आएगी सिंगुलर, जैसे द ज्यूरी डैश गिवन इट्स वर्डिक्ट, तो ज्यूरी ने अपना न्याय दे दिया, वर्डिक्ट दे दिया, निर्णय दे दिया, तो हैज आएगा या हैव, हैज, क्यों, क्योंकि ये कलेक्टिव नाउन है ना, तो सिंगुलर, तो द ज्यूरी हैज गिवन इट्स वर्डिक्ट। फिर बेटा बट, डिवीजन या अमंग मेंबर्स प्लूरल वर्ब, यदि उन मेंबर्स जो कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स हैं उनके अंदर, उनके बीच में यदि विचार अलग अलग है उनके, तो फिर प्लूरल वर्ब आएगी, क्योंकि प्लूरल काउंट होंगे वो। फॉर एग्जांपल द ऑडियंस डैश टेकन देयर सीट्स, ऑडियंस आई थिएटर में और अपनी अपनी सीट्स ले ली, यानी अलग अलग सीट्स ले ली, तो क्या बनेगा फिर, यहाँ प्लूरल हो गए ना, क्योंकि अलग अलग हो गए, तो ऑडियंस हैव टेकन देयर सीट्स, ऑडियंस ने अपनी अपनी सीट्स ले ली। फोर्थ है बेटा प्लूरल नंबर प्लूरल वर्ब, सीधी सी बात है बेटा, प्लूरल नंबर आएगा तो प्लूरल वर्ब आएगी, है ना। तो जैसे फाइव बॉयज डैश इन माई क्लास, तो मेरी क्लास में पांच लड़के हैं या पांच गर्ल्स हैं, तो प्लूरल है बेटा, तो प्लूरल वर्ब, तो क्या लगेगा यहाँ, तो देयर आर फाइव बॉयज इन माई क्लास, या फाइव बॉयज आर इन माई क्लास, प्लूरल नाउन, प्लूरल नंबर, प्लूरल वर्ब, ठीक है, प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर के साथ सिंगुलर। लेकिन अगला ही रूल देखो, प्लूरल नाउन आफ्टर कार्डिनल एडजेक्टिव्स, प्लूरल नाउन आफ्टर कार्डिनल, कार्डिनल मीन्स वन टू थ्री फोर फाइव, और ऑर्डिनल होता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, होता है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो जैसे कार्डिनल एडजेक्टिव्स आता है ना, यदि प्लूरल नाउन आता है कार्डिनल एडजेक्टिव्स के बाद, वन टू थ्री के बाद प्लूरल आता है, तो डिनोट्स सर्टेन अमाउंट, और वो क्या दिखाता है, एक सर्टेन मीन्स निश्चित अमाउंट बताता है, निश्चित अमाउंट, निश्चित वेट बताता है, हाइट बताता है, या कोई पीरियड बताता है, यूनिट बना देता है, यानी तो यूनिट बना देता है, तो बेटा वो सिंगुलर बन जाएगा। कोई भी यूनिट बनाओगा, कलेक्टिव नाउन यूनिट बनाएगा सिंगुलर, कोई नंबर यूनिट बनाएगा सिंगुलर, जैसे सिंगुलर वर्ब आएगी फिर, 5000 rupees डैश इन माई पॉकेट, मेरी पॉकेट में एक यूनिट है पैसों की, 5000 rupees है, तो क्या बनेगा यहाँ, यूनिट बनगी ना, तो 5000 rupees इज इन माई पॉकेट, क्योंकि 5000 rupees की एक यूनिट बन गई। लेकिन इसी रूल्स को यदि फिर वही कलेक्टिव नाउन की तरह अलग अलग कर दूं, तो फिर प्लूरल आ जाएगा, जैसे फाइव हो गए ये तो, बट नो यूनिट प्लूरल वर्ब, जो यूनिट ना बने तो फिर प्लूरल आ जाएगी, जैसे 5000 rupees डैश बीन स्पेंट ऑन डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग पर्पस पे 5000 rupees खर्च कर दिए, यानी इधर कर दिए, कुछ इधर कुछ इधर, तो अलग अलग हो गए ना, तो अलग अलग हो गए, तो प्लूरल, तो 5000 rupees हैज या हैव, सीधी सी बात है, हैव बीन स्पेंट पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, खर्च कर दिए गए अलग अलग पर्पस में। क्लियर हुआ ना ये रूल, देखो बेटा ये क्या है, प्लूरल नंबर आ रहा है प्लूरल वर्ब, लेकिन यदि वो प्लूरल एक यूनिट बनाएगा सिंगुलर, लेकिन यो वो यूनिट तो बना रहा है लेकिन वो अलग अलग हो गए, अलग अलग हो गए, तो फिर प्लूरल हो गई, एक में से तीन निकले ना। आगे रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन का एंटीसीडेंट, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु विच डैट एटसेट्रा, ये रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, यानी एक सेंटेंस इधर एक सेंटेंस इधर, दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करने वाले प्रोनाउन को बोलते हैं बेटा रिलेटिव प्रोनाउन। तो जब भी रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए किसी सेंटेंस में, तो उससे पहला उसका एंटीसीडेंट, उसका एंटी का मतलब है उसके सामने वाला, उससे सामने वाला यदि नाउन सिंगुलर है तो वो सिंगुलर लगेगा, और प्लूरल है तो प्लूरल लगेगा, किससे पहले, रिलेटिव प्रोनाउन से पहले। जैसे एग्जाम्पल देखूंगा, सी इज One of the noblest women who has ever lived on this earth. तो बेटा आपने यहां से चेक करना है, देखो ब्लैंक तो यहां है, आपने इसका रिलेटिव प्रोनाउन ये देख लिया, इसका एंटीसीडेंट देखना है, ये विमेन प्लूरल है तो आर आएगा, वर आएगा, हैव आएगा, तो अब ये परफेक्ट है, तो क्या आ गया, हैव आ गया, और यदि यहां सिंगुलर होता तो है जा सकता है ना। तो आप क्या समझे इस रूल में, आप ये समझे कि जितने भी रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे उससे पहले यदि नाउन सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। आगे बेटा, ईच एवरी एवरीवन समवन समबडी नोबडी, ये जितने भी बॉडी है ना, ईच
एवरी एवरी वन सम वन समबडी नो बडी, ये जितने भी ईच एवरी एवरी वन सम वन समबडी नो बडी नन वन एनी मैनी आ, मैनी के साथ आ, ये जितने भी है ना इनके बाद सिंगुलर आएगा, वर्ब भी सिंगुलर और सिंगुलर नाउन भी और सिंगुलर प्रोनाउन भी इनका, यानी जहां नोबडी आ जाए एनीबडी आ जाए समबडी समवन तो वर्ब भी नाउन, नाउन तो नाउन है ही है सिंगुलर और सिंगुलर प्रोनाउन भी, ठीक है वर्ब भी नाउन नहीं सॉरी गलत बोल गया, सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन किसके बाद, इन सब के बाद, ईच एनी मैनी मैनी नहीं एवरी वन समवन समबडी इनके बाद। लेकिन क्वेश्चन टाइम में ये क्या हो जाते हैं, प्लूरल हो जाते हैं, उस दिन किया था ना जैसे ईच स्टूडेंट डैश कम टू स्कूल, हर विद्यार्थी स्कूल आया हुआ है तो बेटा ईच आया है सिंगुलर आया है तो सिंगुलर वर्ब, तो ईच स्टूडेंट हैज कम टू स्कूल। अब यदि मैं इसका क्वेश्चन टैग बनवाऊं तो बनवाना एक बार क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, अब देखो ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का नेगेटिव और ईच स्टूडेंट मीन्स प्लूरल बनेगा, यहाँ क्वेश्चन टैग प्लूरल बनता है ना तो दे और प्लूरल का हैव और पॉजिटिव का हैवंट दे, क्वेश्चन टैग यही बना ना, क्वेश्चन टैग में ये सारे प्लूरल हो जाते हैं लेकिन वैसे सिंपल सेंटेंसेस में ये सिंगुलर रहते हैं, ध्यान रखना बेटा। लेकिन मैनी आ जाए, मैनी आ भी ठीक है, मैनी आ स्टूडेंट डैश नोट डन डैश होमवर्क, तो बताओ भाई मैनी आ, मैनी आ मीन सिंगुलर, बताओ हैज नोट है ना, हैज नोट डन, अब इन में से बताओ भाई यहां क्या आएगा, बेटा स्टूडेंट के लिए इट नहीं होता हिज, अब देखो यहां क्या समझे थे तुम, ईच एवरी एवरी वन सम वन समबडी नोबडी सिंगुलर वर्ब सिंगुलर नाउन सिंगुलर प्रोनाउन सिंगुलर पजेसिव एडजेक्टिव जो भी, तो यहाँ हिज आ जाएगा हिज होमवर्क है ना, ईच स्टूडेंट मीन्स मैनी आर ईच एक 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 तो एक के लिए हिज, तो यहाँ क्या आ गया समझ में आ रहा है ना, अच्छा आगे चलते हैं। लेकिन बेटा मैनी अकेला आ जाए, मैनी अकेला आ जाए तो वो प्लूरल हो जाएगा, जैसे मैनी मैन डैश कम हैज आएगा या आएगा, अब मैनी आ गया मैनी और यहाँ मैन भी है तो बेटा प्लूरल, लेकिन मैनी आ जाता तो सिंगुलर है ना। अच्छा इफ ऑफ इज यूज्ड आफ्टर ईच एवरी और वन, यदि ऑफ का इस्तेमाल होता है ना इन तीन शब्दों के बाद ईच एवरी और वन, ईच ऑफ वन ऑफ एवरी वन ऑफ, तो बेटा उसके बाद नाउन तो आएगा प्लूरल, ये ध्यान रखना नाउन क्या आएगा प्लूरल, किसके बाद जब ऑफ आता है ईच के बाद एवरी के बाद और वन के बाद, ईच एवरी और वन के बाद जब नाउन आता है तो वो नाउन तो आएगा प्लूरल लेकिन वर्ब आएगी सिंगुलर, उसका उसके बाद जितने भी प्रोनाउन आएंगे वो भी सिंगुलर आएंगे, लेकिन इस ऑफ के बाद जब ये ऑफ इन के बाद आता है तो वर्ब सॉरी नाउन तो आएगा प्लूरल और बाकी सारी चीजें सिंगुलर, वन ऑफ जैसे वन ऑफ द बॉय डैश जो भी है डन ड्यूटी, तो वन यहां बता मुझे, मैंने आपको बताया वन के बाद ईच के बाद और एवरी के नाउन प्लूरल आएगा तो बॉय का यहां क्या बनना है बॉयज, तो बॉय इसमें से ये क्या आएगा बॉयज, तो वन ऑफ द बॉयज, अब यहां वर्ब बताओ भाई क्या आएगी है सिंगुलर है, देखो बेटा वन ऑफ के बाद नाउन आएगा प्लूरल और बाकी सारी चीजें आएंगी सिंगुलर, तो यहाँ हैज हो गया डन और यहाँ भी सिंगुलर है ना, ड्यूटी बताइए इसमें कुछ समझ में ना आया हो तो, क्लियर है सारी चीजें ठीक है।